बताएं। मनोज जी, चंदौली की घटना से हम लोग उभरे ही थे, उभर भी नहीं पाए थे अभी इनफैक्ट। ललितपुर की घटना तो बहुत ज़्यादा बेचैन कर गई और ये व्यथित करने वाली है कि इस तरह की घटनाएं थाने के भीतर हो रही हैं। बहुत व्यथा व्यथा हो रही है और आपके व्यथा को मैं समझ सकता हूं। और कम से कम इस तरह की एक संस्थान तो भारत में है जो कम से कम लोगों के पीड़ाओं से व्यथाओं से व्यथित हो रहा। मैं चंदौली के घटना का प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं उस दिन दिल्ली में था और जब घटना घटी, घटना के ही व्यक्ति ने, घटना के बगल के एक व्यक्ति ने मुझे सूचना दी कि भैया एक घटना घट गई, अभी पुलिस वाले कन्हैया यादव के घर में आए थे और बेटियों ने मना किया, जबरदस्ती वो लोग घर में घुसे और अभी निकल के भैया भाग रहे हैं, एक बेटी की सुन रहा है, एक बेटी चिल्ला रही मौत हो गई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे पुलिस कर सकती है, आप जरा ठीक से देखो। मैंने जब बधाई देना चाहूंगा, बधाई क्या कहना चाहूंगा, साहस करना करने वाले कुछ फ्रीलांसर पत्रकारों को मैंने भेजा, वो तुरंत वीडियो आई और वो मर्माहत करने वाली वीडियो थी। आपके माध्यम से सरकार को और जो आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बातें कही कि प्रोटेक्टर हैज बिकम अटैकर, जब रक्षक ही साहब भक्षक हो जाए तो आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे। और इस पुलिस के तंत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक जात के लोग हैं, ये पीड़ा से बात मैं कह रहा हूं, एक जात के लोग हैं जो एक विचारधारा का चादर ओढ़ लिए हैं, ना उनको संविधान से मतलब है, ना गरीब की बेटियों से मतलब है, ना सुरक्षा से मतलब है, ना न्यायिक व्यवस्था पर उनका भरोसा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। आज जो ललितपुर की घटना घटी, रोंग के खड़े हो जाते हैं, सबके घरों में बेटियां होंगी, बाहर जाती होंगी। आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूंगा, जब चंदौली के बेटी को हम मणिकर्णिका घाट पर, जब मणिकर्णिका घाट की गलियों में उसके हम 100 लेके चल रहे थे तो उसके 100 से खून टपक रहे थे और वो सीन मैं भूल नहीं पा रहा हूं। क्या दोष था उस बेटी का, क्या दोष था, बस इतना ही दोष था कि वो एक गरीब की बेटी थी जिसका बाप सिर्फ एक गिट्टी चढ़ सीमेंट की दुकान करके अपना जीवन चला रहा था, उस पर सिर्फ 151 के मुकदमे थे। जब SHO उससे हर महीना पैसे मांगता है, वो पैसे मांगने से इनकार कर देता है तो उसको जिला पदर कर दिया जाता है। इसी चंदौली में आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि एक एक से अपराधी है, माफिया है, ये सरकार उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है, विधायिका उनको विधानसभा में भेजती है, लेकिन एक गरीब के साथ इतना अन्याय होगा साहब? इस तरह हमको इसी लोक व्यवस्था में जीते हैं साहब? क्या जो लोग आज सत्तासीन है क्या इसी व्यवस्था के तहत आए हैं, आप बताइए, ये सवाल है। और इससे और उदासीनता और क्या होगी कि यहाँ का विधायक, यहाँ के सत्ता के लोग उस बेटी, उस गरीब की बेटी के साथ संवेदना दिखाने के बजाय उन अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे और ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं नाम लेना चाहूंगा, एक बड़े अफसर ने हमसे कहा कि अपना ट्वीट डिलीट कर दो। आप समझिए किस तरह का अन्याय बढ़ा। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने तुरंत बात बताई और उन्होंने एडवांस संज्ञान लिया और एडवांस उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात करा। हम जो जैन साहब के बात से हम सहमत हो रहे हैं, हम ये मानते हैं कि सिस्टम में सब नहीं खराब है, सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सभी लोगों से बस एक गुजारिश है कि आप संविधान सम्मत होके रहिए, संविधान सम्मत होके रहिए, आप किसी जाति पार्टी की विचारधारा मत तोड़िए और न्याय करिए। और कम से कम आप जैसे पत्रकारों से और न्यायपालिका से ही अब उम्मीद बढ़ रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललितपुर गए हैं, 9 तारीख को चंदौली भी आ रहे हैं, लेकिन आप सबके माध्यम से बस एक अपील होगी। थैंक यू मनोज जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी बातों को स्थान दूंगा। मैं खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर लोहिया कहता था कि दुनिया में हर देश का, हर समाज का उत्थान उसके स्त्रियों के उत्थान से नापा जाता है। हमारी हालत क्या है आप समझ सकते हैं जी। मैं सुचि विश्वास जी